देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 MP। प्रधानमंत्री तो क्या, हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर उस पर आपको बैठा दे तो उसका क्या मतलब है? अरे पहले 1 MP तो जिता कर दिखाओ अपना भाई, देश का प्रधानमंत्री बनाने चले, अपना ठिकाना नहीं है। RJD के पास एक सांसद तो है नहीं और चले हैं देश का प्रधानमंत्री बनाने। जी हाँ, ऐसा तंज कसा है जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर RJD पर तंज कस रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं और कह रहे हैं कि RJD के पास ना अपना एक सांसद है और चले हैं वह देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर किसी को आसीन करने। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो हैं जन सुराज के तहत लगातार अभियान चला रहे हैं, वह लोगों से मिल रहे हैं, गांव बस्तियों में घूम रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। इसी कड़ी में एक गांव में वह एक सभा कर रहे हैं और इस सभा के दौरान उन्होंने RJD पर तंज कसा है। पहले क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आप इस वीडियो में देखिए। आपके ध्यान के लिए बता दूं कि ये 0 MP की पार्टी है, देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 MP है, वो आपके लिए बहुत बड़ा दल होगा। हम भी इस काम को 10 वर्ष किए हैं और इतने बड़े स्तर पर किए हैं जो देश में किसी ने नहीं किया है। राजद जैसी पार्टी आज जिस दशा में है वो कोई गणित, एक व्यवस्था, एक ऐसी स्थिति बन गई 10-20-50 उनके विधायक ज्यादा जीत कर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की कोई बहुत तूती बोल रही है, उनके 0 MP है। इस बात का, इस तथ्य का ध्यान में रख, इस तथ्य को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री तो क्या, हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर उस पर आपको बैठा दे तो उसका क्या मतलब है? अरे पहले 1 MP तो जिता कर दिखाओ अपना भाई, देश का प्रधानमंत्री बनाने चले, अपना ठिकाना नहीं है। और देश का प्रधानमंत्री आप बनाइएगा, देश की जनता सब बेवकूफ है, आपको सुन लेगी। बिहार की जनता ने 40 में राजद का 1 MP नहीं जिताया है और आप लोग ऐसा समझते हैं कि राजद इतना बड़ा दल है जैसे लग रहा है कि अरे हर राज्य में ऐसे लोग हैं। उनकी क्या क्या राजनीति, कितनी ताकत है भाई? अभी तो चुनाव हुआ था, कितना MP जीता हुआ है? तो दोस्तों आपने देखा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि RJD के पास न तो एक अपना MP है और वह जो है वह प्रधानमंत्री कुर्सी को आसीन करने चले हैं। साथ ही साथ प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनावों में हम लोगों से 15 से 20 सीट जो है RJD ज्यादा जीत चुकी थी, इसीलिए जो है RJD के मुंह खुल गए हैं और RJD जो है प्रधानमंत्री बनाने चली है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर यह कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के कुर्सी पर किसी को बैठा दिया जाए तो वह राष्ट्रपति नहीं बन जाता। साथ ही साथ वह यह भी कह रहे हैं कि अगर कोई अपने घर के बाहर प्रधानमंत्री की पोस्टर लगा दे, प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोए, तो वह प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। हालांकि प्रशांत किशोर जो है काफी कुछ कह रहे हैं RJD पर। वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार विपक्षी एकता को दर्शाया जा रहा है, विपक्षी एकता को दिखाया जा रहा है, वह कहीं से सफल नहीं है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि RJD लगातार अपने RJD कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ये सभी जो है पोस्टर RJD कार्यालय के बाहर लगाए गए थे। साथ ही साथ RJD के तमाम नेता भी ये बयान देते आए हैं कि नीतीश कुमार PM मटेरियल हैं, वह PM के लायक हैं। साथ ही साथ RJD हमेशा यह दिखाते आई है कि वह नीतीश कुमार को नॉमिनेट करती है PM के लिए। आपको बता दें कि RJD के तरफ से हमेशा यह बयान आता रहा है। इसी पर प्रशांत किशोर जो हैं वह तंज कस रहे हैं कि RJD का तो अपना 1 MP तक नहीं है, वह बिहार में 1 MP तक नहीं जीता पाए हैं और वह प्रधानमंत्री को बनाने चले हैं। तो प्रशांत किशोर के इस बयान को आप किस प्रकार देखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।